सभी को चंद्रयान 3 की अद्वितीय ऐतिहासिक सफलता की बधाई देते हुए एक आज आपके सामने एक ऐसी कविता मैं प्रस्तुत करवाने जा रहा हूं, जो कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संस्थापक उपाध्यक्ष स्वर्गीय ठाकुर गजेंद्र सिंह सोलंकी जी ने कविता आज से 25 वर्ष पूर्व ये लिखी थी, और वो मंचों से अपने आप को दूर रखते थे, लेकिन बहुत ही सटीक आज ऐतिहासिक चंद्रयान 3 की सफलता के साथ हमें सचेत करते हुए ये रचना है। जहां अनेक प्रकार के रचनाकार और कुछ एक, अगर मैं कहूँ, लॉबी इसके बारे में मजाक उड़ाती है, तो जो कवि धर्म क्या होता है, सही मायने में 25-30 वर्ष पूर्व ये लिखी कविता, और बहुत पुराना वीडियो है, उच्च क्वालिटी की दृष्टि से हो सकता है ठीक ना हो, लेकिन जो इसमें विषय वस्तु है बहुत सामयिक है। वह हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद के पूजनीय कवि ऋषि हुए हैं। मैं उनका एक छोटा सा परिचय भी मैं आपको उनके प्रस्तुत करना चाहता हूं। गजेंद्र सिंह सोलंकी जी का जन्म 1923 6 अगस्त को हुआ, और वह मध्य प्रदेश गुना में उनका जन्म स्थान है, और वे अनेक भाषाओं के जानकार थे, अंग्रेजी, ब्रज हड़ौती, उर्दू, गुजराती, मराठी भाषाओं का उनको ज्ञान था। वे कवि और प्रखर पत्रकार थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह केंद्रीय साहित्य अकादमी के सदस्य भी रहे, उपाध्यक्ष रहे राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी के, और साहित्य अकादमी के पूर्व वह संचालक भी रहे। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के हमारे वो संस्थापक उपाध्यक्ष रहे हैं। अखिल भारतीय साहित्य संकलन योजना के राजस्थान के आप उपाध्यक्ष रहे, और पूर्व अध्यक्ष भारतेंदु समिति कोटा के आप सदस्य रहे, सदस्य इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस दिल्ली के रहे। अनेक उनकी कृतियां उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। करीब करीब उनका कई अमर सेनानी तत्या टोपे के ऊपर प्रबंध काव्य उनका 1987 में आया, और अनेक स्वतंत्रता संघर्षकालीन उन्होंने रचनाएं उन्होंने लिखी। 1942 से 52 तक वो रचना करते रहे। अनेक प्रकाशनार्थ उनकी पांडुलिपियाँ रही हैं, उत्सर्ग, राष्ट्रीय काव्य, रस लहरी, ब्रज काव्य, जीवन चरित्र, यात्रा वर्णन, 400 से अधिक संपादकीय उनके लेख हैं। उन्हें अनेक प्रकार के सम्मान मिले, जिला प्रशासन कोटा द्वारा साहित्यकार सम्मान, हिंदुस्तान समाचार द्वारा हड़ौती शिक्षा सम्मान, अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा लाला श्रीराम स्मृति पुरस्कार उनको मिला। पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेक स्मारिकाओं, पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। वह संपादक रहे एकात्म साहित्यिक साप्ताहिक के, तो बहुत, मैं कहूँ, ये एक दुर्लभ वीडियो मुझ तक पहुँचाने का काम किया उनके सुपुत्र श्री रविंद्र सोलंकी जी ने, और उनके मित्र, परम मित्र, कोटा के वरिष्ठ साहित्यकार दामोदर साडिल्ली जी ने, मैं उनका बहुत कोटि कोटि मैं धन्यवाद करता हूँ, और मैं उनके सुपुत्र का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो तक पहुँचाने के लिए। धन्यवाद। प्रस्तुत है आपके सामने ये दुर्लभ वीडियो। धरती से दूर गगन में चंदा के घर जाने वालों, ये विकृतियां धरती जिनसे चूर वहां मत लेना। ये आकाशवाणी में बहुत प्रसारित हुई है। धरती से दूर गगन में चंदा के घर जाने वालों, ये विकृतियां धरती जिनसे चूर वहां मत ले जाना। तुम जाते हो, जाओ, अपनी जिज्ञासा पूरी कर लो, अंतरिक्ष के भेद जान लो, नक्षत्रों की दूरी हर लो,
तुम ज्ञाता बन जाओ, सृष्टि के पहले मानव बन लो, स्वयं से कृष्ण दम्भ युक्ति उन्नत मस्तक कर लो, एक छत्र शासन अपना हो, बंदी बने विराट, तब नीति नीचे इंगित पर, एक छत्र शासन अपना हो, बंदी बने विराट तब, और नीति नीचे इंगित पर ये लोक अधूरा रहा कि जिसके तुम वासी हो, क्या पूरी पड़ गई धरा कि तुम नूतन अविदाशी हो, तो अविदाशा पूरी करो कि साथियों को संग ले जाना, किंतु वाद हिजमो, किंतु वाद के जिसने धरती बांटी वहां मत ले जाना, धरती से दूर गगन में चिंता के घर जाने वालों, ये विकृतियां धरती जिनसे चूर वहां मत ले जाना, अनंत का अंत जानने की अभिलाषा बहुत पुरानी, मानव को अनुप्राणित करती रहती है यही कहानी, सूक्ष्म सूक्ष्म पर भेद खुलते रहते पटन पर, और हर प्रश्न पुराना पड़ जाता है यश के शीर्ष में, अब तक की थाती अपनी भविष्य दास बने जिज्ञासा, पूरी कर सको तो करके देखो मानव की अभिलाषा, जाओ बसाओ चांद, भेजो धरती को नव संदेशा, और तड़प रहे व्याकुल प्राणों को कुछ तो आए भरोसा, जाओ औषधियों के राजा रस के संदेश से मिलना, किंतु नीरसता में ग्रस्त ये कुंठा है मत ले जाना, धरती से दूर गगन में चिंता के घर जाने वालों, ये विकृतियां धरती जिनसे चूर वहां मत ले जाना, तुम्हारी बात देखिएगा शायद झांका होगा गवाक्ष में तुमने चिंता के, शायद झांका होगा गवाक्ष में तुमने चिंता के, देखी भी होंगी मनवारे खेल रहे मामा के घर, चिट्ठी सी बोली उनकी मीठी सी चितवन, जब मेरी आंख रूखी मुस्कान है तेजनियों के स्वर, सुनम अश्चु पड़ती होंगी तुमको मरमर की आवाज है, जो आदि काल से जुगल जोड़िया उस तक भेज रही है, माताएं बहने बूढ़ी दादी की दूध कटोरा की मांगे, घोर अभावों में भी दूधिया आज सहेज रही हैं, तुम पहुंचो संरक्षित रहना, प्रण सहलाती करना, कहीं मैं भी न चांदनी पड़ जाए कर मत ले जाना, कहीं मैं भी न चांदनी पड़ जाए कर मत ले जाना, धरती से दूर लगन में चिंता के घर जाने वालों, ये विकृतियां धरती जिनसे छूर वहां मत ले जाना, धरती जिनसे छूर वहां मत ले जाना।